दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मुझे पूरा यकीन है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं आज की डेट में, क्योंकि आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है। तो आज जिस बिज़नेस की मैं बात करने वाली हूँ वो आपकी सेहत से जुड़ा हुआ बिज़नेस है, और इसको ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, और कोई आइडिया आपके पास है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त हम एक कड़ी बनाकर चल रहे हैं। कड़ी कोरोना को तोड़ने की है और साथ ही साथ बिज़नेस को जोड़ने की। तो बताइएगा कोई बिज़नेस आइडिया आपके पास है, ज़रूर उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आज हम आपकी सेहत की बात कर रहे हैं और बात करें हेल्थ सप्लीमेंट की। तो देखिए किस तरह से आप हेल्थ सप्लीमेंट का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। क्यों ज़रूरी है हेल्थ सप्लीमेंट? हम सब जानते हैं कि 2020 से अब तक हम बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हमें कई सबक मिले हैं, सबक पैसे जोड़ने का, सबक अपना ध्यान रखने का, सबक हेल्दी खाना खाने का, और ज़रूरी सप्लीमेंट लेने का। सप्लीमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब खान पान पहले सा नहीं रहा, अब चीज़ों में शुद्धता कम और मिलावट ज़्यादा होती है, इसलिए जानकार हेल्थ सप्लीमेंट लेने की बात कहते हैं। बढ़ रही है हेल्थ सप्लीमेंट की मार्केट। हेल्थ सप्लीमेंट की बढ़ती मांग बता रही है कि अब ये आम आदमी की आवश्यकता बन गई है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही फिट और फाइन रहने के लिए हेल्थ सप्लीमेंट लेना भी ज़रूरी है। हेल्थ सप्लीमेंट आपके शरीर में उन सारी चीज़ों की कमी को पूरा करती है जो आपको खाने के जरिए नहीं मिल पाती। कैसे शुरू कर सकते हैं इसका व्यापार? हेल्थ सप्लीमेंट का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। इसके लिए एक मेडिकल लाइसेंस भी लेना पड़ता है। लाइसेंस मिलने के बाद हेल्थ सप्लीमेंट का व्यापार शुरू किया जा सकता है। अब व्यापार दो तरह से होते हैं, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर फायदे की नज़र से देखा जाए तो दोनों ही व्यापार फायदेमंद हैं। एक और जहां ऑनलाइन व्यापार में आप दुनिया भर को अपने सप्लीमेंट सेल कर सकते हैं, वहीं ऑफलाइन व्यापार में सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं। इसलिए आप दोनों में कोई भी व्यापार करें घाटे का सौदा नहीं है। कहां खोलें हेल्थ सप्लीमेंट की शॉप? देखिए इस व्यापार में आपको लोकेशन चुनने की जरूरत नहीं, जहां दवाई की दुकान खुल जाएगी लोग वहां से लेने आ जाएंगे। वैसे अगर आप इसे किसी हॉस्पिटल के पास, जिम सेंटर, कॉलेज, योगा सेंटर या फिर डांस एकेडमी के आसपास खोलेंगे तो ज्यादा बेटर है, यहां आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए हेल्थ सप्लीमेंट बिक जाएगा। मार्केट में बिजनेस को कैसे सेल करें? कई लोग आधिकारिक प्रमाण पत्र पाने के बाद खुद के सप्लीमेंट बनाते हैं, वहीं कुछ लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें से क्या चुनेंगे, पर इतना साफ है कि आप मार्केट में इसे आसानी से सेल कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको अपनी टारगेट ऑडियंस सेट करनी होगी। ऑडियंस सेट करने के बाद आप उन पर फोकस करें और उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। कौन सी ऑडियंस रहेगी बेस्ट? किसी भी व्यापार का रूल है उसे बेचने के लिए आपको अपनी ऑडियंस की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हेल्थ सप्लीमेंट बेचने के लिए आप फिटनेस सेंटर, योगा सेंटर, डांस एकेडमी और कॉलेज के लोगों को अपना फोकस कर सकते हैं। इन जगहों पर सप्लीमेंट बिकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फ्रेंचाइजी सपोर्ट होना बहुत आवश्यक है। इससे मार्केट में बेचने के लिए आपको एक ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी मिल जाती है। सप्लीमेंट सेल करने के लिए आपको लोगों का भरोसा जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सप्लीमेंट मार्केट में पहले से ही अपनी जगह बना चुके होंगे, इसलिए ब्रांडिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी। लाइसेंस। हेल्थ सप्लीमेंट के लिए आपको FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले सकते हैं। GST नंबर भी लेना पड़ेगा। हेल्थ सप्लीमेंट व्यापार बेचने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी? आधिकारिक सर्टिफिकेट, लाइसेंस, GST नंबर, एक शॉप, व्हीकल। किस उम्र के लोग ले रहे हैं सप्लीमेंट्स? बाजार में ज्यादातर 20 से 30 की उम्र के लोग सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो लगभग 3,000 से 5,000 रुपए तक महीना खर्च रहे हैं। इसलिए अगर उस उम्र के लोगों पर फोकस करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। हेल्थ सप्लीमेंट इस तरह की दवाई है जो कि शरीर में विटामिन्स और प्रोटीन्स की कमी को पूरा करती है। ये दवाई लोग इंजेक्शन या फिर पाउडर के रूप में लेते हैं। फिटनेस फ्रीक बॉडी बनाने के मकसद से इसका अधिक उपयोग करते हैं। इसके सेवन से उनकी बॉडी तेजी से शेप में आती है। क्या इस व्यापार में रिस्क है? अब देखिए रिस्क तो हर व्यापार में है। आज के दौर में कोई काम ऐसा नहीं है जो बिना रिस्क के चल सके, इसलिए इस बिजनेस में भी रिस्क है। क्योंकि आज के दौर में कई सारे जानकार हेल्थ सप्लीमेंट को सही नहीं मानते, इसलिए इस व्यापार में आपको कई चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आपको ग्राहकों को ये समझाना पड़ेगा कि आप जो सप्लीमेंट बेच रहे हैं वो किसी भी हालत में नुकसानदायक नहीं है। ये साबित करने के लिए आपको कई चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। टाइप ऑफ सप्लीमेंट। मार्केट में कई तरह के सप्लीमेंट आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बेस्ट सप्लीमेंट भी माने जाते हैं, जिनके व्यापार के लिए आपको आसानी से लाइसेंस मिल जाएगा और उसे बेच सकेंगे।
मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन एक अच्छी गुणवत्ता वाला मल्टीविटामिन पाने जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मछली का तेल। मछली का तेल आवश्यक ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रदान करता है जो सूजन को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सेवन स्वस्थ शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक है, इसमें कोई हानि नहीं। विटामिन डी। दुनिया का हर डॉक्टर शरीर में विटामिन डी लेने की सलाह देता है, इसलिए ये मार्केट में बेचे जाने वाली सप्लीमेंट्स में से एक है। प्रोबायोटिक्स। ये सप्लीमेंट्स भी बाकी सप्लीमेंट्स की तरह अहम और आवश्यक है। कौन लोग कर सकते हैं सप्लीमेंट्स का बिजनेस? अगर सीधा सीधा बोला जाए तो व्यापार करना हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए आपको मेडिकल और सप्लीमेंट्स की सारी जानकारी होनी चाहिए। अगर बिना जानकारी के आपने सप्लीमेंट्स का व्यापार किया तो इसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसे बेचने के लिए कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, आपको बातचीत का ढंग आना चाहिए। बिजनेस करते वक्त कौन सी गलती ना करें? बिना लाइसेंस मिले व्यापार नहीं शुरू करें। जब आपके पास बिजनेस की पूरी जानकारी ना हो उसे शुरू ना करें। बिजनेस करने से पहले उससे जुड़ी जानकारी जुटा लें। व्यापार में किसी की देखा देखी ना करें। कितनी आएगी लागत? मार्केट की मांग के हिसाब से देखा जाए तो इस व्यापार में आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन उसे हासिल करने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। छोटा मोटा अंदाज़ा लगाया जाए तो इसमें लगभग 10 लाख रुपये की लागत आएगी। सप्लीमेंट बेचने से पहले उसका निरीक्षण करें। अगर आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट की पहचान बनाना चाहते हैं तो उसे बेचने से पहले उसका निरीक्षण कर लें, बेहतर होगा कि सफल निरीक्षण के बाद ही उसे लेकर मार्केट में ब्रांडिंग करें। तो दोस्तों, ये था हेल्थ सप्लीमेंट के बिजनेस के बारे में आइडिया। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ज़रूर बता दूँ कि जब भी आप हेल्थ सप्लीमेंट खुद लेते हैं या फिर किसी को बेच रहे हैं, बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक बात जहन में ज़रूर ग्राहक को बता दीजिए और अपने भी जहन में रखिए कि आप जब भी कंज्यूम करते हैं तो किसी हेल्थ एक्सपर्ट या फिर किसी अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा, क्योंकि कई बार सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी को सूट नहीं करते हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस वक्त बार बार मैं कह रही हूँ सेहत से ज़रूरी कुछ नहीं। आपके बिज़नेस का सच्चा साथी